जिस चीज को आप अधिक मूल्य देते हैं आपका मन उसी में केंद्रित होता है। जिस चीज का अधिक महत्व आपके जीवन में होता है आपका मन वहीं रहेगा, आपकी भावनाएं वहीं रहेंगी। अपनी समस्याओं से अधिक समाधान पर ध्यान दें, चिंताओं से अधिक चिंता के निवारण पर ध्यान दें, और सबसे अधिक ध्यान आपका अपने आनंद पर टिका रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, उससे ही आप आए हो। और सभी चीजों के पीछे एक ही मधुर फल है जिसे आप पा लेना चाहते हो, वो आनंद ही है। तो काम करते हुए आनंद लें, चलते हुए आनंद लें, बैठते हुए आनंद लें, आनंद में सोएं, आनंद में जागें, आनंद आपका स्वभाव बने, आनंद आपकी जिंदगी बने, आनंद महोत्सव बन जाए, जिंदगी को महोत्सव बनाए, जीवन को रुदन न बनाए। जीवन किसी तरह रोध होकर काटने के लिए नहीं है, जिंदगी मजबूरियों का नाम नहीं है, जिंदगी बेबसी का नाम नहीं है। जीवन एक नदी की धारा की तरह सतत बहने वाला प्रवाह है, जिसके दोनों किनारे सुख दुख से जुड़े हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता से जुड़े हैं, संयोग वियोग से जुड़े हैं, पाने और खोने के बीच जिंदगी की नदी बहती है। यहां उन्नति अवनति दोनों साथ साथ चलती रहती हैं, मुस्कुराहट और आंसू दोनों किनारों के बीच जीवन बहता है। यहां आप हर समय अनुभव करेंगे, कभी लाभ है कभी हानि है, पानी किधर भी टच कर सकता है, किसी भी किनारे से पानी टच कर सकता है। इसलिए वेदों में भी ये कहा गया, अश्मनवती रियते समरमध्वम प्रतरता सखाया। जीवन की नदी पथरीली नदी है, यही संसार की नदी भी है, यही भव सागर है। इस पथरीली नदी में वेग से पानी बहता है, लगातार तेजी से पानी बह रहा है। प्रतरता सखाय, पार हो जाओ मित्रों, इससे पार होने के लिए आए हो। तो आगे ये कहा, अत्रा जहिमो अशिवान, जो भी दुखदायी चीजें हैं, बोझ है, उसे छोड़ दो, हल्के हो जाओ तो पार उतरोगे। हल्का कर लो अपने मन को, हल्का करो सिर के भार को, हल्के करो अपनी उलझनों से अपनी जिंदगी, और फिर पार उतरो। तुम पार होने के लिए दुनिया में आए हो, यहीं उलझते रहने के लिए नहीं। सहारा लो अपने मित्र का। तो सभी रिश्तों में कहा जाता, माता पिता बंधु सखा, सब रिश्तों को लेकर जो खड़ा है वो सखा रूप में भी है। तुम्हारा अपना सबसे बड़ा रिश्ता सद्गुरु का, उसके ज्ञान के सहारे अपने जीवन की नदी को पार करने के लिए तत्पर हो।